अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली के मधु विहार में अधिकारी की पत्नी और बेटी ने घर में खुदकुशी की। रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने 2 दिन पहले किया था बालकृष्ण बंसल को गिरफ्तार। आरएसएस के खिलाफ बयान पर राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा माफी मांगे या केस झेलें कांग्रेस उपाध्यक्ष। राहुल गांधी के माफी मांगने से कांग्रेस का इनकार। गौरव गोगोई ने कहा सभी ऐतिहासिक तथ्य कोर्ट के सामने रखेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर लोकसभा में बहस। गृह मंत्री ने कहा कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से राजनीतिक संकट। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। कश्मीर में सूफीवाद को खत्म करने की साजिश। वहाबी विचारधारा के जरिए फैलाया जा रहा है कट्टरपंथ। पाकिस्तान सऊदी अरब और ब्रिटेन से मिलती है रकम। जी न्यूज का बड़ा खुलासा। जी न्यूज के खुलासे पर खलबली। बीजेपी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों ने जांच की मांग की। कश्मीर घाटी में 11वें दिन भी कर्फ्यू। सेना ने कांजीकुंड में 3 लोगों की मौत पर जताया खेद। जांच का आदेश। कश्मीर में प्रेस पर पाबंदी से सरकार का इंकार। वेंकैया नायडू ने महबूबा मुफ्ती के हवाले से कहा इस तरह की खबर सही नहीं। सेना के समर्थन में बुद्धिजीवियों ने दिल्ली में निकाला मार्च। सबने एक सुर में कहा कंधे से कंधा मिलाकर जवानों के साथ खड़े हैं लोग। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन। कश्मीर का माहौल बिगाड़ने का आरोप। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन। शिवसेना और डोगरा फ्रंट समेत कई संगठनों ने जताया विरोध। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने किया पाकिस्तान का विरोध। आतंकवादी देश घोषित करने की मांग। योग गुरु रामदेव ने कश्मीर के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई। कहा जब तक पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को खत्म नहीं किया जाता तब तक कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होगा। बिहार के औरंगाबाद में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 10 जवान शहीद। नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया। 3 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर। अगले हफ्ते राज्यसभा में जीएसटी बिल लाएगी सरकार। कांग्रेस भी साथ देने को तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश कुमार ने फिर दिया जीएसटी का साथ। कहा देश के हित में है ये बिल। उत्तराखंड के मसूरी में दोस्त के अवैध निर्माण को लेकर रक्षा मंत्री से मिले थे सचिन तेंदुलकर। सूत्रों के मुताबिक पर्रिकर ने पूरी बात सुनी लेकिन नियमों के मुताबिक कार्रवाई का आदेश दिया। सचिन तेंदुलकर ने किया आरोपों से इनकार। कहा रक्षा मंत्री से की थी मुलाकात लेकिन अवैध निर्माण में नहीं दिखाया था कोई व्यवसायिक हित। सरकार ने करीब 44,000 करोड़ की अघोषित आमदनी का पता लगाया। पिछले 2 साल का आंकड़ा। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार का जवाब। आईएसआईएस के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। इराक और सीरिया की तर्ज पर भारत में नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में है शफी अरमान। नौकरशाह भी अब सोशल मीडिया का कर सकेंगे इस्तेमाल। नियमों में होने जा रहे हैं बदलाव लेकिन सरकार की आलोचना का नहीं होगा अधिकार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने की विकास पर्व की सराहना। 70वां स्वतंत्रता दिवस बड़े स्तर पर मनाने का फैसला। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालेगी बीजेपी। 15 से 22 अगस्त के बीच बीजेपी सांसद देश भर में लहराएंगे तिरंगा। नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी छोड़ने की पत्नी ने पुष्टि की। कहा राज्यसभा से इस्तीफा देने का मतलब है पार्टी से इस्तीफा लेकिन खुद अभी भी बीजेपी में। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सापला का दावा अभी भी बीजेपी में है नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी। मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। सांसद धर्मवीर गांधी ने आम आदमी पार्टी को डूबता हुआ जहाज बताया। कहा किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को एक और झटका। सांसद कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद की आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें। कीर्ति आजाद ने अभी नहीं किया इनसे इनकार। गुजरात के ऊना में 3 दलितों की पिटाई। गौ रक्षा के नाम पर जमकर पीटा। 2 पुलिस वाले सस्पेंड। 16 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में अंबेडकर भवन गिराने का विरोध तेज। भाईकला से आजाद मैदान तक निकाला गया मोर्चा। कश्मीर से पंडितों के पलायन पर मेरठ में प्रदर्शन। महबूबा मुफ्ती को हिंदू स्वाभिमान संस्था ने दी चेतावनी। हैदराबाद में बारिश के बाद भारी जाम। दफ्तर से घर जाने वालों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा। उत्तरकाशी में एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। गंगोत्री गोमुख में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे निकाला। उत्तराखंड के कैची में हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे बंद। सड़क पर आया हजारों टन मलबा। हजारों लोग फंसे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश। जिले की कई सड़कें हुई ब्लॉक। लगातार बारिश से उफान पर नदियां।
यूपी के गोंडा में बारिश के बाद बाढ़, कई गांव में भरा पानी, किसानों की फसल हुई बर्बाद, घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी उफान पर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, संगम में छोटी नावों पर लगाई पाबंदी, निचले इलाके से लोगों के घर कराए खाली। यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ के हालात, एक दर्जन से ज्यादा गांव पानी में घिरे, राज्य मंत्री डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने लिया जायजा। अलीगढ़ में लगातार बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर जल भराव, घरों में घुसा पानी, कई लोग घर छोड़ने को मजबूर। दिल्ली की यमुना नदी में बाढ़, खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा पानी का स्तर, नदी के किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी। मुंबई में बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, घाटकों पर और अंधेरी में जल भराव, जी न्यूज के दर्शकों ने भेजी तस्वीरें। दिल्ली में ऑटो यूनियन का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगाए नारे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का कांग्रेस ने किया घेराव, किसानों को बोनस और फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग। गोरखपुर में 22 जुलाई को पीएम की रैली, एम्स और खाद कारखाने का करेंगे शिलान्यास, राज्य बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। हरियाणा के रोहतक गैंगरेप में 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अहमदनगर में रेप केस को लेकर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, 9 स्कूल की 500 से ज्यादा लड़कियों ने निकाला मार्च। अहमदनगर रेप केस को लेकर महाराष्ट्र के लातूर में विरोध प्रदर्शन, नाराज लोगों ने एक बस में आग लगाई। अंडमान में म्यांमार की संदिग्ध नाव को कोस्ट गार्ड ने पकड़ा, चालक दल के 11 सदस्य हिरासत में। यूपी के शामली में सरकारी स्कूल में पढ़ाई की पोल खुली, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चे पीएम और सीएम का नाम तक नहीं जानते। कानपुर में सरकारी मैटरनिटी अस्पताल में लापरवाही, डिलीवरी के दौरान बच्चे का सिर शरीर से हुआ अलग, कानपुर मेडिकल कॉलेज ने सर्जरी के बाद महिला को बचाया। गाजियाबाद में दवाई की कंपनी में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मथुरा में श्रद्धालु कर रहे हैं मौत का सफर, गोवर्धन मेले में पहुंचने के लिए बसों की कमी के कारण छत पर चढ़ने को मजबूर लोग। कर्नाटक के गुलबर्गा में हादसा, ट्रक और जीप में टक्कर, हादसे में 8 लोगों की मौत, 5 हुए घायल। मुंबई में चेंबूर के पास ईस्टर्न फ्रीवे पर हादसा, 3 गाड़ियों में टक्कर, 3 की मौत, 2 घायल। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने एक और जासूसी रैकेट का किया पर्दाफाश, राजस्थान पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 लोग गिरफ्तार। भोपाल में एलआईसी अधिकारियों के 10 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की रेड, 2.5 करोड़ की वित्तीय हेराफेरी का मामला। जयपुर में पीएचईडी का चीफ इंजीनियर गिरफ्तार, एसीबी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते समय पकड़ा। आगरा में राजस्व निरीक्षक की परीक्षा में सेंध लगाने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर कई ग्रुप बनाकर एक साथ सबको मुहैया करा रहा था सॉल्ट पेपर्स। कानपुर में शादी समारोह के दौरान जेवर और रुपयों से भरा बैग चोरी, लाल रंग का सूट पहनी लड़की ने उड़ाया बैग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। कानपुर के हॉस्पिटल में एक महिला का फोन चोरी, बच्चे का इलाज कराने आई थी महिला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। आगरा में 2 साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, लेकिन जब परिवार ने बच्चे को खुद ढूंढा तो पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में अवैध बम बनाने वालों के खिलाफ अभियान, करीब 700 देसी बम बरामद, 1100 से ज्यादा गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में एक शख्स की कुल्हाड़ी से हत्या, नाली के पानी को लेकर हुआ विवाद, 9 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। यूपी के बलरामपुर में थाने से ट्रक चोरी, पुलिस ने ओवरलोड होने के आरोप में पकड़ा था, बहराइच में दोबारा पकड़ा गया। बलरामपुर में पत्नी ने भाड़े के हत्यारे से कराई पति की हत्या, 1 लाख रुपए में दी सुपारी, हत्या में महिला का बेटा और चचेरा भाई भी शामिल। यूपी के कौशाम्बी में शराब बनाने वाली महिला ब्रिगेड का खुलासा, 32 लीटर कच्ची शराब बरामद। यूपी के बागपत में डेयरी में डकैती, मालिक और कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों की लूटपाट। बिहार के सासाराम में महिला ने पेश की मिसाल, घर में शौचालय बनवाने के लिए मंगल सूत्र को गिरवी रखा। राजस्थान के कोटा में एक लड़की ने पेश की हौसले और जुनून की मिसाल, बीमारी से दोनों हाथ खराब होने के बाद भी सीए की परीक्षा पास की। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर का डीमैट अकाउंट खुला, अब शेयर का भी दान कर सकेंगे भक्त। अब टोकन से होंगे केदारनाथ धाम के दर्शन, घंटों लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा श्रद्धालुओं को, 15 अगस्त से शुरू होगी नई व्यवस्था। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों की भीड़, 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। इलाहाबाद में गुरु पूर्णिमा पर उमड़े श्रद्धालु, संगम में पवित्र डुबकी के बाद अपने अपने गुरु की पूजा।
मोबाइल डेटा के प्राइस वॉर में शामिल होगा वोडाफोन। अगले एक से दो दिनों में कटौती का होगा ऐलान। एयरटेल और आइडिया पहले भी कम कर चुके हैं कीमतें। अब सिर्फ 3 दिन में बन जाएगा पैन कार्ड। आधार नंबर के जरिए तुरंत होगा वेरिफिकेशन। फिलहाल लगते हैं 15 से 20 दिन। सरकारी बैंकों को मिले करीब 23,000 करोड़ रुपए। 13 सरकारी बैंकों को मिली मदद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सबसे ज्यादा मदद मिली। दूरसंचार विभाग ने 6 टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेजना शुरू किया। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस। आमदनी कम करके दिखाने का आरोप। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का दिन। सेंसेक्स 41 और निफ्टी 20 अंक की बढ़त के साथ बंद। तेल गैस और एनर्जी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले आईसीसी रैंकिंग को लेकर घमासान। नंबर 2 बने रहने के लिए टीम इंडिया के सामने चुनौती। वेस्टइंडीज के खिलाफ हासिल करनी होगी 3-0 से जीत। अंपायर्स के लिए इंग्लिश कोर्स की शुरुआत करेगा बीसीसीआई। मैच ऑफिशियल्स की कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए रखा कोर्स। 12 से 16 जुलाई तक चलेगा पहला मैच। रियो ओलंपिक में रूस पर लग सकता है बैन। रूस ने खिलाड़ियों के डोप टेस्ट को लेकर की हेराफेरी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट में खुलासा। रूस में डोपिंग विवाद के बीच भारत की सीमा पूनिया ट्रेनिंग के लिए रूस पहुंची। एथलेटिक्स फेडरेशन ने जताई नाराजगी। कहा फेडरेशन ने नहीं दी इजाजत। ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन ने जताई रियो ओलंपिक में मेडल की उम्मीद। लिया जपेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी पर दारोमदार। रियो ओलंपिक से पहले भारतीय महिला हॉकी टीम को झटका। यूएसए दौरे पर पहले ही मैच में भारतीय टीम हॉकी यूएसए ने 3-2 से हरा दिया। जर्मनी में ट्रेन के यात्रियों पर कुल्हाड़ी से हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अफगान मूल के हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आईएसआईएस ने भी जिम्मेदारी। ताइवान में सैलानियों से भरी बस में लगी आग। सभी 26 लोगों की मौत। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया। नॉर्थ कोरिया ने दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइल। 500 से 600 किलोमीटर रेंज वाली इन मिसाइलों से पूरा साउथ कोरिया आएगा जद। सीरिया के अलेप्पो में बागियों के ठिकानों पर हवाई हमला। कम से कम 28 लोगों के मारे जाने की खबर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का विवादित बयान। कहा जरूरत पड़ने पर परमाणु हमले से लाखों लोगों की जान ले सकती। चीन के सिचुआन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में 5 फीट तक भरा पानी। मुश्किल में फंसे लोग। तिब्बत में बर्फीले तूफान के बाद रेस्क्यू का काम जारी। मलबे में लोगों की तलाश। 9 लोगों की मौत की पुष्टि। पाकिस्तानी मॉडल कंदिल बलोच के हत्यारे भाई पर सरकार सख्त। परिवार को माफ करने से रोका गया। पाकिस्तान में जज के अगवा बेटे को सेना ने रिहा कराया। 21 जून को तालिबान ने कराची से किया था अपहरण। अमेरिका के मिसिसिपी में कुत्तों का शपथ समारोह। पुलिस में शामिल 2 कुत्तों को दिलाई गई शपथ। पेपर पर लगाया पंजा। कुत्तों को दिया गया पुलिस का बैच। गायिका मुबारक बेगम का 80 साल की उम्र में निधन। पिछले कई महीनों से चल रही थी बीमारी। मुंबई में भी रजनीकांत की फिल्म कवाली का जोरदार प्रमोशन। माटुंगा में सिनेमा घर के बाहर फ्लैश मॉब। अरविंद केजरीवाल से मिले अभिनेता इरफान खान। ट्विटर के जरिए लिया था अपॉइंटमेंट। पीएम मोदी और राहुल गांधी से भी मिलने का इरादा।